ये क्या है भाई? हेलो एंड दादा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे है ना? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे और बेसब्री से मेरी मैरिज एनिवर्सरी वाले ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो लीजिए, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले ब्लॉग के साथ। और अभी इस वक्त बज रहे हैं रात के 7 और बाहर चल रही है डेकोरेशन। तो दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए हमारी शादी की सालगिरह के फंक्शन को सेलिब्रेट करने, मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर मेरे भांजे और भांजी कितनी मेहनत से लगे हुए हैं डेकोरेशन करने में। और बिजली आ रही है लेकिन फिर भी फैन बंद कर रखा है, क्योंकि फैन के चलने से बलून इधर उधर उड़ रहे थे, डेकोरेशन करने में दिक्कत आ रही थी, तो फैन बंद कर रखा है। और इतनी गर्मी में हमारे लिए डेकोरेशन करने में लगे हुए हैं मुनमुन, बार बार पसीना पहुंचती जा रही है। और मैंने हेल्प करने के लिए बोला तो मना कर दिया और कहा सिर्फ हमारा कमाल देखो। और वाकई में कमाल की डेकोरेशन की है, सिर्फ बलून से और कागज़ की फ्रेम से। और मेरी हेयर स्टाइल भी आज मुनमुन बना रही हैं अपने हाथों से। और हमारी मुनमुन को ना अलग अलग तरीके की हेयर स्टाइल बनाना आता है। वाकई में हमारी मुनमुन बड़ी हो गई है और काफ़ी स्मार्ट भी हो गई है। आप लोग को एक बात बताती हूँ, जब मेरी शादी तय हुई थी तब मुनमुन बहुत छोटी थी और जब उससे फ़ोन पर बात करती थी तो बस इतना ही पूछती थी, मामी जी आपने खाना खा लिया, पानी पी लिया, बस इतना कह के और फ़ोन दीदी को पकड़ा देती थी। और आज इतनी बड़ी हो गई है कि खुद अपने हाथों से मुझे तैयार कर रही है। वाकई में हमारी मुनमुन बहुत समझदार हो गई है। और अभी मैं केक सेरेमनी के फंक्शन के लिए रेडी हो गई हूँ। और आज मुझे मेरी भांजी ने खुद अपने हाथों से रेडी किया है, मेरी हेयर स्टाइल उसी ने बनाई है। तो कैसी लग रही है आज आपको मेरी ये हेयर स्टाइल? अच्छी लग रही है या नहीं? तो चलिए अब मिलकर के केक काट लेते हैं। और अभी केक काटने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तिलक की थाल भी मम्मी जी ने रेडी कर दी है और केक भी हमारा रेडी है, बस इसमें ये कैंडल्स लगा रहे हैं। और मैं भी रेडी होकर के रूम से बाहर आ गई हूँ। मौसी जी, चाची जी वगैरह भी सब आ गए हैं और सारे बच्चे भी इकट्ठे हो गए हैं आसपास के। और आज तो इतने बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से आ गए हैं बच्चे। और फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं, ना समझ होते हैं और नई नई चीज़ें देखना उन्हें अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पर हमारा सबसे पहले टीका हो रहा है, उसके बाद ही हम केक काटेंगे। और जैसे ही मम्मी जी पापा जी ने हमारा टीका किया, अंजलि ने मुझसे खड़े होकर बाहर आने के लिए कहा। और मैं जैसे ही बाहर निकल के आई, अंजलि ने तो मुझे सरप्राइज़ ही कर दिया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी इस सरप्राइज़ की। मेरे देवर देवरानी ने मुझे मेरी शादी की सालगिरह पर इतना प्यारा, इतना सुंदर गिफ्ट दिया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। और उन्होंने मुझे गिफ्ट में चांदी की पाजेब दी है जो कि बहुत सुंदर हैं। और अभी मैं आप लोगों को ये पाजेब यहाँ पर ठीक से दिखा नहीं पाई हूँ, लेकिन जल्द ही आपको ये पाजेब मैं दिखाऊंगी। बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं। और अंजलि ने ये पाजेब मेरे पैरों में खुद पहनाई हैं, तो अब तो ये और भी अनमोल हो गई हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। और अभी यहाँ पर मेरी चाची सास और जो मेरी और जेठानियाँ वगैरह हैं वो हमारा टीका कर रही हैं। और इसी टाइम पर बिजली भी चली गई, वो तो अच्छा हुआ कि तुरंत आ गई, वरना मुझे तो ये लग रहा था कि जैसे विजय भैया अंजलि की शादी के सालगिरह के टाइम पे हुआ था, लाइट नहीं थी, वैसे ही अब हो जाएगा। तो
और इधर देखिए जैसे ही विजय भैया ने वो पार्टी पॉपर्स चलाया, उसमें से जो कागज़ निकले थे ना, रंग बिरंगे जो कागज़ निकलते हैं, जैसे ही वो निकल के पूरे में फैले हैं पूरे हॉल में, बच्चे उनको लूटने में ऐसे लग गए जैसे कि उसमें कोई खजाना हो। और मुनमुन जब उन बच्चों को एक तरफ करने की कोशिश कर रही थी कि एक तरफ हो जाओ भैया, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली कागज़ के टुकड़े हैं, पर वो कहते हैं ना कि बच्चे बच्चे होते हैं, किसी की नहीं सुनते। और जब विजय भैया और कुछ बच्चे डेकोरेशन में लगे हुए बलून पटाखे की तरह फोड़ रहे थे तो बहुत गुस्सा हो रही थी मुनमुन, बहुत नाराज़ हो रही थी, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से जो इतनी गर्मी में पसीना बहाते हुए वो बलून लगाए थे, कितनी डेकोरेशन की थी, कितनी मेहनत की थी, और उन बच्चों ने और विजय भैया ने एक मिनट में ही मुनमुन की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। वैसे कुछ भी हो, किसी भी फंक्शन में मज़ा तब तक नहीं आता जब तक कि उसमें कोई भी धमाल ना हो। और अभी हम दोनों यहाँ पर केक काटने के बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यहाँ पर पापा जी अपने बेटों के साथ और उनके बेटे अपने बेटों के साथ डांस करके धमाल मचाने में लगे हुए हैं। और डांस ही बताया कौन से सॉन्ग पे हो रहा है, सपने में मिलती है कुड़ी, उस सपने में मिलती है। और अब बारी आई है हमारी मुनमुन के डांस करने की। और मुनमुन ने डांस किया था कमर तेरी लेफ्ट राइट हल, और हमारी मुनमुन ने वाकई में बहुत अच्छा डांस किया, ऐसी तो उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उसने आज तक किसी भी फंक्शन में डांस नहीं किया, और जब भी डांस के लिए कहा जाता था तो शर्मा जाती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारी मुनमुन टीवी में देख देख के इतना अच्छा डांस कर सकती है। वाकई में हमारी मुनमुन ने बहुत अच्छा डांस किया। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी मुनमुन का डांस कैसा लगा। और ये देखो यहाँ पर हमारे बच्चों का नाश्ता चल रहा है, और ये देखो केक का जो पैकेट है ना, कवर था उसको बिस्तर बना रखा है, और तकिया लगी हुई है, और ये देखो पास में चप्पल रखी हुई है, ये देखो चप्पलों का ढेर, और ये चिप्स का नाश्ता चल रहा है। देखो है ये क्या है भाई, देखो भाई कैसे लगे हुए। अरे उठो, उठना नहीं है अंजलि, आज तांशु और पूर्वी यही सोएंगे। हाँ यही सोएंगे आज, ये सारा बंदोबस्त कर रखा है इन्होंने अपना, आज यही सोएंगे दोनों आज। उठना नहीं है तांशु। और अब आई है हमारे कपल डांस की। तो भाई हमारी शादी की सालगिरह है तो एक कपल डांस तो बनता ही बनता है। अब ज़्यादा अच्छे तरीके से तो कपल डांस हमें आता नहीं है, जैसा भी आता है हल्का फुल्का थोड़ा कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट तो हो ही जाता है दोस्तों। और जैसे ही हमने एक सॉन्ग पे अपना कपल डांस फिनिश किया, वैसे ही भैया ने दूसरा सॉन्ग लगा दिया हमारे डांस के लिए, और उस सॉन्ग के बोल थे, ओ लड़के दीवाने कहाँ से आया तू, दुल्हन को ले जाने कहाँ से आया तू।
और ये डांस मस्ती धमाल रात के 12 बजे तक चला है, जब तक थके चूर नहीं हो गए, पसीने से लथपथ नहीं हो गए, पैरों में दर्द नहीं हो गया, तब तक डांस चलता ही रहा है। और दोस्तों अब डांस मस्ती धमाल बहुत हो चुका है, इस वक्त बज रहे हैं रात के 1:15, तो डांस मस्ती करते हुए टाइम इतना कब निकल गया पता ही नहीं चला, सोने का टाइम हो गया है, नींद बहुत ज़ोरों से आ रही है और पैरों में दर्द भी हो रहा है, आज तो डांस करते करते इतना थक गए हैं। तो चलिए अब अपने आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं और आप लोगों से ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए विदा ले लेते हैं, तो आप लोग भी ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने घरों में सेफ रहिए और वेट कीजिए मेरे दूसरे नए आने वाले ब्लॉग का। और जाने से पहले मेरी आज की इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।